लाभ मीन्स क्या होता है फायदा, और हानि मीन्स क्या होता है नुकसान। जब हम लोग दुकान जाते हैं तो वहां से कुछ ना कुछ खरीद के लाते हैं, तो अगर मान लो हम लोग ये मार्कर खरीद के लाते हैं कितने में, 25 रुपए। कितने मिलते हैं मार्कर? 25 रुपए। अब हम लोग 25 रुपए में खरीद के लाए, हमारे घर पे छोटे भाई बहन सब रहते हैं, तो हमारे किसी एक छोटे भाई ने क्या बोला कि भैया ये मार्कर मुझे दे दो, और इसके बदले वो मैंने कहा नहीं भाई अभी नया खरीद के लाऊ मैं नहीं देने वाला, तो बोला है कि इसके बदले में क्या ले लो, पैसे ले लो। क्या ले लो? पैसे। फिर ले लो। तो मैं बोला चल ठीक है निकाल 25 रुपए। तो क्या बोलेगा, मेरे पास 25 रुपए नहीं है, 25 रुपए नहीं है, कितना रुपए है मेरे पास, सिर्फ 20 रुपए। कितना रुपए है? 20 रुपए है। तो मैं बोला चलो ठीक है छोटा भाई है तो दे देता हूँ। तो देखो मैंने खरीद के कितने में लाया, खरीदने का मूल्य कितना था मेरा 25 रुपए, और बेचने का मूल्य कितने रुपए में बेच दिया मैंने उसको, 20 रुपए में। ठीक है, 25 रुपए में खरीदा और 20 रुपए में बेच दिया। अब इसमें एक और चीज आता है कि जिस मूल्य में हम लोग खरीदते हैं, यानी जो मैंने यहाँ पे लिखा है खरीदने का मूल्य, तो जिस मूल्य में खरीदते हैं उसे हम बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दिया है? 25 रुपए। और बेचने का जो मूल्य है उसे हम गणित की भाषा में क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। कितना रुपए है? 20 रुपए। समझा? क्रय मूल्य कितना है? 25 रुपए, और विक्रय मूल्य कितना है? 20 रुपए। क्रय मूल्य मतलब क्या होता है कि जिस मूल्य में हमने वो सामान को खरीदा है, कोई भी सामान जिस मूल्य पे हम लोग खरीदते हैं उसे क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पे हम लोग सामान को बेच देते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग? विक्रय मूल्य। अब हानि मीन्स क्या होता है? नुकसान। तो हमने 25 रुपए में खरीदा है और 20 रुपए में बेच दिया, तो हमको हानि हुआ है। क्या हुई है हमको? हानि। क्या हुआ है? हानि हुई है। तो कितने रुपए की हानि हुई है? कितने रुपए की? कितने रुपए की हुई है? 5 रुपए की। अभी हमको कैसे पता चला रहेगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर क्या आता है? हानि। अब क्रय मूल्य कितना रुपए है? 25 रुपए माइनस विक्रय मूल्य कितना है? 20 रुपए। कितना आया? 5 रुपए हानि। तो इस पूरे लेन देन में जो मैंने मार्कर लेके आया था 25 रुपए का, और 20 रुपए मैंने अपने छोटे भाई को बेच दिया, तो इस पूरे लेन देन में मुझे 5 रुपए का क्या हुआ है? नुकसान। नुकसान मीन्स क्या होता है? हानि। 5 रुपए का मुझे क्या हुआ है? हानि। समझा? और हानि का सूत्र क्या बनकर आया यहाँ पर? हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यहाँ तक समझा? अंडरस्टूड? ओके। फिर देख अभी हम लोग ने हानि वाला देखा, अब हम लोग देखते हैं लाभ वाला एग्जाम्पल। ये ब्लू मार्कर लेकर आया। क्या लेकर आया? कितने में लेकर आया? 20 रुपए में। तो जो हमारा खरीदने का मूल्य होता है यानी क्रय मूल्य, खरीदने के मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है इस मार्कर का? 30 रुपए। कितना है? 30 रुपए। अब रास्ते मुझे मेरा एक दोस्त मिला। क्या मिला ये? और उसने मेरे जेब में ऐसा मेरा मार्कर देख लिया, बोला भाई तेरा मार्कर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे दे दो। मैं बोला ठीक है मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन मैंने अभी नया नया लाया है तो मुझे भी इसका काम था, तो एक काम करो ये वाला आप ले लो, इसके पैसे दे दो, तो मैं क्या करता हूँ मैं दूसरा ले लेता हूँ। अब मैंने क्या बोला कि अगर मैं 30 में लेकर इसको 30 में दे दूंगा तो मेरा मेहनत बेकार चला जाएगा। मैंने इसको बोला ये मार्कर मुझे कितने मिला? 35 में। कितने मिला? 35। और मैंने उसको 35 रुपए में बेच दिया। कितने में बेचा? 35। तो जो 35 रुपए में बेचा वो होता है विक्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना मिला मुझे? 35। 35 रुपए।
तो अब तुमको यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा होगा कि मैंने इस मार्कर को 30 रुपए में खरीद कर 35 रुपए में बेच दिया, मतलब 5 रुपए का मुझे क्या हुआ है, फायदा। क्या हुआ है? फायदा। और फायदा मतलब क्या होता है? लाभ। क्या होता है? लाभ। तो इस तरह से हमारे पास लाभ का एक सूत्र बन के आता है, लाभ बराबर लाभ बराबर विक्रय मूल्य, विक्रय माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना मेरा यहाँ पर 35 रुपए, तो 35 माइनस क्रय मूल्य कितना है यहाँ पर 30 रुपए, तो 30 35 रुपए में से 30 रुपए घटा देंगे कितना आएगा 5 रुपए, कितना आएगा 5। तो ये 5 रुपए का क्या हुआ मेरा लाभ, समझा? तो ये था हमारा लाभ और हानि। लाभ और हानि का हम लोगों ने अभी तक सिर्फ क्या बनाया, फॉर्मूला। क्या बनाया? फॉर्मूला। और फॉर्मूले में मान कैसा रखना है और उसको हल कैसे करना, वो अभी तक हम लोगों ने सीखा है। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, इसको कुछ सम्स करेंगे। ओके।